दोस्तों जय शंकर की। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ष प्रारंभ होने से पहले राशिफल हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे कि आने वाले वर्ष के बारे में आपको पहले से ज्ञात हो किस तरह की आपकी स्थिति रहेगी, ग्रह स्थिति क्या है, उसके हिसाब से अपना वर्ष पूरी तरह से आप अनुभव करेंगे और उस हिसाब से अपने सारे पूरे कार्य निपटाएंगे। आने वाले 2022 का वर्ष फल बन चुका है, जिसे आपको बताएंगी आचार्य मोहिनी भरद्वाज। चलते हैं मोहिनी भरद्वाज के पास, देखते हैं उन्होंने किस तरह इस वर्ष के बारे में आम लोगों को प्रत्येक राशि के बारे में जानकारी दी है। नए वर्ष 2022 के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीता हुआ साल 2021 कोरोना की वजह से, जिसमें हम सब ने बहुत ने अपनों को भी खोया है और अपने बहुत से सपने भी अधूरे छोड़ आए हैं, और हमारे कितने ऐसे अधूरे काम थे जो रह गए हैं। लेकिन ऐसे में हमें निराश नहीं होना है। हम कितना भी कुछ सहकर भी एक नई उम्मीद के साथ फिर से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जीवन कभी खत्म नहीं होता है। हर हालात में हमें आगे ही चलना होगा। तो आइए हम जानते हैं कि नई उम्मीद के साथ आता हुआ एनएसएल हम सबके लिए क्या ला रहा है। अगर आपके निजी जीवन में भी जुड़ा कोई ऐसा सवाल, तो आप मुझसे एस्ट्रो सर्च के माध्यम से वार्ता पर जुड़कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आप वार्ता के जरिए किसी भी समय हमसे बात कर सकते हैं, चाहे कोई भी ज्योतिष पत्ती हो, आपको मिलेगा बहुत ही आसान उपाय। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के अनुसार आपका आपके लिए यह साल कैसा जाने वाला है। साल की शुरुआत में ही फरवरी से आपकी राशि का स्वामी मंगल दशम भाव में उच्च के रहेंगे, जिससे कि आप जोश और उमंग के साथ नए साल में कदम रख रहे हैं और कुछ नया करने की प्रेरणा और जोश आपके मन में बनी हुई है। लेकिन इसी मंगल के साथ अप्रैल तक का शनि का गोचर भी रहेगा, इसलिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले जोश में नहीं आए और सोच समझ कर ही कदम उठाए, तभी आपके निर्णय सफल होंगे। इस वर्ष आपको अपने गुस्से और आलस और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना होगा। अप्रैल महीने में तीन बड़े ग्रह शनि, गुरु और राहु का बदलाव भी हो रहा है, जिससे आपके जीवन में भी बदलाव आने की संभावना है। बात करते हैं आपके करियर की। आपके करियर की बात करें तो यह वर्ष नए व्यापार के लिए बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप किसी पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। अप्रैल में राहु का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, जिससे इस समय में कंफ्यूजन आपको परेशान कर सकती है। जून से शनि ग्रह और जुलाई से गुरु ग्रह वक्री होने पर नौकरी और व्यवसाय दोनों के क्षेत्र में बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। इस समय में आपको अपनी नौकरी को लेकर कोई भी बदलाव नहीं करना, अपनी मर्जी से नौकरी नहीं छोड़े और ना ही इस समय में कोई ऐसा माहौल बनने दे जिससे कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। व्यवसाय में भी कोई नई शुरुआत नहीं करे और ना ही किसी पर विश्वास करके कोई कदम उठाए। वैसे यह समय नए कॉन्टैक्ट्स के लिए बेहतर रहेगा। अक्टूबर के बाद ही व्यवसाय को लेकर सफलता मिलेगी और आय में बढ़ोतरी आएगी। यह समय नौकरी में वेतन और पद की बढ़ोतरी के लिए भी बेहतर रहेगा। आइए आपके रिश्तों के बारे में बात करते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, तो साल की शुरुआत में गुस्से और अहम की वजह से आपसी तनाव बन सकता है। आपके पास इतना भी समय नहीं होगा कि आप इस समस्या से बाहर आने की कोशिश करें, जिससे दूरी भी बन जाएगी। अगर आप अकेले हैं, तो आप जहां काम करते हैं या पढ़ते हैं, तो आपको वही कोई पसंद आ सकता है। अगर ऐसा हो तो अप्रैल से जून के मध्य में उनसे अपने प्रेम का इजहार नहीं करना है। अगस्त के बाद आप अपने साथी के साथ अपना अच्छा समय बिताएंगे और आपके आपसी रिश्ते में भी सुधार आएगा। वैवाहिक लोगों के लिए यह साल अप्रैल तक बेहतर रहेगा, लेकिन उसके बाद केतु का वैवाहिक भाव में गोचर करने से आपसी तनाव की वजह से समस्या आएगी और बिना बात के झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको अपने काम में भी मन नहीं लगेगा। बाहरी लोग भी आपके इस झगड़े में फायदा उठा सकते हैं, इसलिए आप समय रहते अपने रिश्ते को संभाल लें। आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर बात करें, तो इस साल आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी और आपको आय के नए साधन मिलेंगे। अप्रैल से राहु का गोचर धन भाव से जाने से आपके खर्चे कंट्रोल होने लग जाएंगे, पर जब जून से शनि कुंभ राशि में वक्री होने लगेगा, तब इस समय में धन के लेन देन में बहुत ही सावधानी रखें। अगर आप कर्ज लेना या पुराना कर्ज चुकाना चाहते हैं, तो साल के मध्य में अड़चने आएंगी। जुलाई से अक्टूबर के मध्य घर या जमीन में निवेश करने से बचे, नहीं तो नुकसान हो सकता है। शेयर मार्केट में भी निवेश करने के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा। वर्ष की शुरुआत तो सेहत के हिसाब से जोश भरी रहेगी।
और आप सभी काम बिना रुकावट के कर पाओगे। वर्ष के मध्य में कोई पुरानी बीमारी अधिक परेशान करेगी, उसके लिए आप अपना इलाज समय से करवाते रहे। अगर आपको त्वचा की कोई परेशानी है तो त्वचा या त्वचा में किसी प्रकार की एलर्जी है तो ध्यान रखें, इस साल ज्यादा तकलीफ दे सकती है। अगस्त माह से ब्लड प्रेशर से जुड़ी कोई समस्या है तो उसका भी आप ध्यान रखें। साल के अंत में क्रोध या जोश में आकर वाहन न निकालें और अपने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखें। आइए जानें कि मेष राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए। आप नियमित रूप से शाम को 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को बेसन के लड्डू मंदिर के बाहर बच्चों को बांटें। तो यहाँ वृषभ राशि के बारे में, आपका व्यवहार है कि आप आसानी से किसी से उलझते नहीं है और अगर आपसे कोई उलझे तो फिर आप उसे पीछे भी नहीं छोड़ते हैं। इस वर्ष अप्रैल तक आपकी राशि पर राहु का गोचर रहेगा, जिसके कारण अगर आप भ्रमित महसूस करें तो कोई बड़ा निर्णय नहीं ले, नहीं तो मानसिक रूप से परेशानी आ सकती है। जून से अगस्त के बीच में राहु का गोचर मंगल के साथ रहेगा, यह समय आप अपने गुस्से को काबू में रखना, नहीं तो किसी बड़े वाद विवाद में फंस सकते हैं। इस साल अचानक बहुत सी यात्राएं होने से भी आप शारीरिक रूप से थकान महसूस करेंगे और आपके कुछ काम व्यस्त रहने से अधूरे रह जाएंगे, इसलिए समय रहते सब प्लान के साथ ही करें। आपके करियर की बात करते हैं, जो इस वर्ष बहुत ही बड़े बदलाव को दिखा रहा है। इस साल अप्रैल से जुलाई तक शनि ग्रह आपके करियर भाव में गोचर करेगा, जो कड़ी मेहनत की मांग कर रहा है। इसके साथ आप समाज में अपनी नई पहचान भी बनाएंगे, लेकिन यही शनि जून से वक्री भी होगा, तो इस समय में नौकरी या व्यवसाय में किसी भी बड़े बदलाव के लिए सीनियर की सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि इस समय में आप ऐसे कदम उठा लेंगे जो आपके नुकसान का कारण बन सकते हैं। सितंबर के बाद ही आप सही फैसले लेने में सक्षम हो सकते हैं। साल के अंत में आपको नए नए प्रोजेक्ट मिलने से फायदा भी होगा और कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत से नई पहचान भी बनेगी। अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो यह आपके लिए वर्ष उत्तम रहेगा, कुछ और कुछ नया दिखाने में भी आप सक्षम हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति बीते साल से अच्छी रहेगी, लेकिन 12 अप्रैल से राहु का गोचर मेष राशि में होने से आपके बेवजह के खर्चों को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस समय से गुरु का भी आय भाव में गोचर होने से धन का आगमन तो बढ़ेगा, जिससे आपके कोई काम नहीं रुकेंगे, और अगर नया घर या वाहन लेने की सोच रहे हैं तो यह सपना भी आपका पूरा होगा। अगर जमीन या शेयर मार्केट में निवेश के लिए सोच रहे हैं तो लाभ मिलेगा। इस साल किसी तरह के वाद विवाद से बाहर आने के लिए अगर धन खर्च हो तो पीछे नहीं रहिएगा, पर यह साल कर्ज के लेन देन के लिए कुछ परेशान कर सकता है। अब हम बात करते हैं आपके रिश्तों की। इस साल की शुरुआत में आप अपने कार्य में व्यस्त रहोगे, जिस वजह से आप अपने साथी को कम समय दे पाओगे, जिस कारण आपसी दूरी हो सकती है। अप्रैल से ही आपके रिश्ते में सुधार आएगा, इसलिए रिश्ते को बचाने के लिए अहम से बचें। अगर आप अकेले हैं तो अप्रैल के आसपास किसी नए साथी का आपके जीवन में आगमन होगा जो आपको पसंद आ सकता है। आप समय से अपने दिल की बात उनको कह दें, अधिक सोचने से देरी हो सकती है। वैवाहिक लोगों के लिए यह वर्ष शुरुआत में किसी गलत फहमी की वजह से वाद विवाद का कारण बनेगा, जिससे आपसी रिश्तों में प्रेम कम होगा। आपको अपनी वाणी और अहम पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, तभी रिश्ते में प्रेम वापिस आ सकता है। जुलाई से किसी कारण से जीवन साथी से झगड़े की स्थिति बन सकती है, इस समय में बहुत ही सावधानी रखें, तभी आपसी प्रेम और घर की शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टि के अनुसार यह वर्ष आपके गुस्से के कारण कुछ मानसिक तनाव ला रहा है। इस वर्ष आपके अपने पेट के निचले हिस्से में कोई परेशानी आ सकती है, जिसके लिए आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं और बाहर के अधिक खान पान से भी बचें। अगर आपको थायराइड की कोई समस्या है तो इस साल लापरवाही नहीं करें। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप नियमित रूप से गणेश चालीसा का पाठ करें और बृहस्पतिवार को चने की दाल या केले मंदिर में अवश्य दें। तो आप बात कर रहे हैं मिथुन राशि की, जिसका स्वामी बुध है। आप बुद्धिमान और फुर्तीले व्यक्ति हैं। आप अपनी मस्ती भरी बातों से सामने वाले का दिल बहुत ही जल्दी जीत लेते हैं। आपके अंदर ऐसी खासियत है जिससे आप हमेशा नई चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अप्रैल तक शनि का भी प्रभाव आपकी राशि से अष्टम भाव पर रहेगा, जिससे आप वाणी का इस्तेमाल बहुत समझकर करना होगा,
नहीं तो आपके अपने आप से दूर हो सकते हैं। यह समय आपको जेब में हाथ भी तंग रहेगा और बचत भी नहीं हो पाएगी। अगर आप किसी तरह के कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं तो यह साल आपके फेवर में रहेगा। जून से अक्टूबर माह तक शनि के वक्री होने से इस समय में किसी भी नए काम में हाथ ना डालें और ना ही व्यवसाय में कोई बड़ा निवेश करें। बात करते हैं आपके करियर की। इस साल आपकी अपनी मेहनत से अपने ही व्यवसाय में नई पहचान बनेगी और नए कॉन्टैक्ट्स बनने से आप कुछ नया कर दिखाने में कामयाब होंगे। अगर आपकी कोई पुरानी डील या प्रोजेक्ट पिछले साल से फंसा हुआ था तो इस साल वह आपको मिलेगा और आपको उसमें अच्छी आय के साथ सफलता भी मिलेगी। परंतु जुलाई से नवंबर तक गुरु के वक्री होने से समय बहुत ही सावधानी के साथ चलने की मांग कर रहा है। इस समय आपके ही अपने आपके काम में अड़चन पैदा करेंगे और आपको कार्य या नौकरी में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने सावधानी और समझदारी से काम नहीं किया तो आपका प्रमोशन होते होते रुक सकता है। आपको किसी विदेशी कंपनी में भी काम का ऑफर आ सकता है, लेकिन आप अगर बदलाव करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करें, नहीं तो जहां हैं वहां से भी जाते रहेंगे। साल के अंत में बॉस से भी प्रशंसा मिलेगी जो आपके तरक्की का कारण बनेगी। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो इस साल की शुरुआत में 12 अप्रैल तक राहु का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में रहने से बेवजह धन के खर्चों की वजह से परेशानी बनी रहेगी। उसके बाद राहु का गोचर आय भाव में होने से आय के नए नए साधन बनेंगे और आपकी बहुत सी पुरानी इच्छाएं भी पूरी होंगी। साल मध्य में अचानक धन के नए साधन बनने से आप बचत और धन के लेन देन में राहत महसूस करेंगे। अगर कोई कमीशन या ब्याज के काम में आमदनी हो सकती है, लेकिन किसी को पैसे देने का कोई वादा ना करें, ना ही दिखावे के चक्कर में अधिक पैसा खर्च करें। नया घर या वाहन लेने का सपना इस साल आपका पूरा होगा और जरूरत होने पर इस पर आपको लोन भी आसानी से मिल जाएगा। आपके रिश्तों के लिए यह साल आपसी करीबी में रिश्ते में मधुरता लाएगा। इस साल आप अपने साथी को बहुत ही खुश रखेंगे, जिससे कोई पुरानी खटास होगी तो वह भी दूर हो जाएगी। अगर आप अकेले हैं तो मई के आसपास नए साथी से मुलाकात होगी या कोई पुराना साथी आपके जीवन में दस्तक दे सकता है, यानी इस साल आप अकेले नहीं रहेंगे। आपका वैवाहिक जीवन साल के शुरुआत में तो बहुत ही प्रेम भरा रहेगा, पर मध्य में आपसी अनबन से रिश्तों में खटास आ जाएगी और वाद विवाद की वजह से एक दूसरे से दूरी बन सकती है। सितंबर के बाद किसी तीसरे के आने से आपसी तनाव में कमी आएगी और आपसी प्रेम दोबारा होने से रिश्ते में मिठास वापस लौट आएगी। आपकी सेहत की बात करें तो यह साल स्वास्थ्य को लेकर उत्साह भरा रहेगा, लेकिन बाहरी खान पान से बचें, जिससे गले या पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। इस वर्ष अप्रैल तक केतु के बीमारी भाव में रहने से कोई पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो अपने हार्ट का ध्यान रखें, नहीं तो लापरवाही करने से देरी हो सकती है। अगर आप अपने जीवन शैली में सैर और योगा की शुरुआत करते हैं तो आपको अधिक परेशानी नहीं आएगी। उपाय के रूप में आप नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक शनिवार को सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दें। हम अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए यह नया साल कैसा रहेगा। आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा होने से आप स्वभाव से भावुक और काल्पनिक व्यक्ति हैं। आप जिससे भी अपनापन करते हैं बहुत ही दिल से करते हैं। वह आपके साथ सही व्यवहार करे तो आप भी निराश भी शीघ्र हो जाते हैं। इस साल भी इसी भावनात्मक जुड़ाव के कारण आपका कोई दिल दुखा सकता है, लेकिन आपको बहुत ही समझदारी से रिश्तों को निभाना है। इस वर्ष अप्रैल तक राहु का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में रहेगा, जो एक से अधिक कार्य में आपको व्यस्त रखेगा। अगर आप राजनीति से संबंध रखते हैं तो अप्रैल से राहु का गोचर दशम भाव में होने से आपको बहुत ही सफलता के साथ समाज में नाम भी मिलेगा। यह वर्ष आपके लिए यात्राओं भरा रहेगा। अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो वह भी इस साल सच होगा। सितंबर से नवंबर में किसी प्रकार के वाद विवाद से बचें, नहीं तो सामने वाला भी आपसे दुश्मन की तरह व्यवहार करेगा, कभी भी आपको अधिक परेशानी में डाल सकता है। बच्चों को प्रतियोगिता को लेकर बहुत ही सावधानी से रहना होगा, नहीं तो यह समय खराब होने से साल भी खराब हो सकता है। आपके करियर की बात करें तो इस साल के शुरुआत का समय कार्य को लेकर बेहतर रहेगा। आप बिजनेस में हैं तो नए काम की कोशिश भी इस समय आपको सफलता दिलाएगी।
नए बिजनेस में आपके लिए धन निवेश करने के लिए भी यह समय बेहतर रहेगा। आपका अपने काम में जोश और लगन बनी रहेगी और आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपको नए प्रोजेक्ट और नए डील मिलने से बाहरी विदेशी कंपनी में आपकी पहचान बनेगी। अप्रैल से गुरु का गोचर मीन राशि में होने से आपको नई नौकरी में अवसर प्राप्त होंगे और प्रमोशन के आसार के साथ बॉस भी आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन जुलाई अंत से गुरु के वक्री होने से नौकरी में किसी तरह के बदलाव से बचें, और अगर कोई पुरानी या छोड़ी हुई नौकरी से फिर से ज्वाइनिंग का अवसर आए तो सोच समझ कर कदम उठाएं। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए यह साल बहुत ही बेहतर जाने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार इस साल की शुरुआत में धन का स्वामी सूर्य शनि और मंगल के साथ गोचर कर रहा है, जो धन को लेकर मानसिक तनाव दिखा रहा है और धन के मामले में वाद विवाद दिखा रहा है, जो अप्रैल तक परेशानी का कारण बन सकता है। बेहतर होगा कि इस समय में आप अपने धन को कहीं निवेश कर दें तो बचत हो सकती है। अगर आपको किसी कारण से लोन लेना है तो जुलाई तक का समय आपका फेवर में रहेगा। उसके बाद किसी तरह के कर्ज का लेन देन बिल्कुल भी न करें, समय बेहतर नहीं है। अगस्त के आसपास आपका धन आपके घर में अधिक खर्च होने की संभावना है, इस समय में आप ध्यान रखें। अगर आप शेयर मार्केट के निवेश के लिए सोच रहे हैं तो भी यह समय बेहतर रहेगा। आपके रिश्ते की बात करें तो अगर आप अकेले हैं तो वर्ष की शुरुआत में आपकी किसी से दोस्ती होगी और शीघ्र ही यह दोस्ती प्रेम में कब बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जुलाई तक का समय आपके प्रेम संबंध के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन उसके बाद वाद विवाद और किसी भ्रम के कारण जुलाई के बाद आपके इस रिश्ते का अंत भी हो सकता है, इसीलिए समझदारी और संयम से काम लें। विवाहित लोगों के लिए साल की शुरुआत में वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। अगर कोई आपसी गलतफहमी की वजह से पुराना तनाव था तो वह भी खत्म होगा, लेकिन जुलाई से वक्री शनि के वैवाहिक भाव में गोचर होने से फिर से रिश्ते में आपसी मनमुटाव होने से और बच्चों की वजह से तनाव की स्थिति बनेगी। रिश्ते को बचाने के लिए आप ही समझदारी से काम लें। आपकी सेहत की बात करते हैं तो यह वर्ष अधिक कार्य में तनाव की वजह से मानसिक रूप से परेशानी भरा रहेगा, जिसके लिए आप खुद को समय नहीं दे पाएंगे। अगर आपको किसी तरह की त्वचा या नसों से जुड़ी परेशानी है तो आप लापरवाही नहीं बरते। अगस्त के बाद अचानक डायबिटीज या थायराइड की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए अपने जीवन शैली को बदलें और इलाज में लापरवाही नहीं करें। उपाय के रूप में आप प्रत्येक मंगलवार बजरंग बाण का पाठ करें और शनिवार को काले उड़द किसी जरूरतमंद को दें। हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए यह साल की शुरुआत कुछ खास बेहतर नहीं है। राशि का स्वामी सूर्य शनि के साथ गोचर होने से किसी न किसी रूप से वाद विवाद के कारण मानसिक तनाव में रह सकते हैं। इस समय में सेहत का बहुत ध्यान रखने का समय रहेगा। किसी से किसी भी प्रकार की उम्मीद न करें। अगर आप किसी तरह की रिसर्च में काम कर रहे हैं तो इस साल आपको नए अवसरों के साथ सफलता की प्राप्तियां होंगी। अप्रैल से जुलाई तक शनि का गोचर कुंभ राशि में और गुरु का गोचर मीन राशि में होने से आपकी स्थिति में सुधार आएगा और आपकी मेहनत आपका साथ देगी। इस वर्ष आप अपने घर को लेकर कोई बड़ा निवेश भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप चाहे तो आपको बैंक से आर्थिक सहायता भी मिलेगी। अगर आप किसी तरह के कोर्ट केस में उलझे थे तो इस साल आपको उससे भी राहत मिलेगी। आपके करियर की बात करें तो इस वर्ष राहु का गोचर अप्रैल तक आपके व्यवसाय भाव में रहेगा, जिससे कार्य को लेकर भ्रम की स्थिति बनेगी, लेकिन बहुत लगन और मेहनत के बाद आपको कामयाबी भी मिलेगी। अगर आप नया कार्य करना चाहते हैं तो जून से पहले शुरू कर लें, जिससे आपको सफलता की प्राप्ति होगी और नए संपर्क बनने से नए लोगों के साथ कार्य करने का आपको अवसर मिलेगा। जुलाई से अक्टूबर के मध्य नौकरी को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाए, ना ही कोई बदलाव की कोशिश करें। बॉस और सीनियर के साथ आपके अच्छे संबंध बने रहे, उसके लिए आपको मेहनत और लगन के साथ काम करना होगा। साल के मध्य में अपने कुलीग्स के साथ कोई भी पर्सनल बात शेयर नहीं करें और उनके साथ संबंधों में भी सावधानी रखें। आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार इस साल धन की स्थिति में सुधार आएगा, जिससे बहुत से ऐसे कार्य जो धन को लेकर पिछले साल रुके हुए थे वह भी पूरे होंगे। आपका अपना घर या वाहन लेने का सपना भी इस वर्ष पूरा होगा, जिससे आपका जमीन में निवेश भी हो जाएगा। नए वाहन की खरीद पर धन का खर्च होगा,
अप्रैल से राहु का नवम भाव में गोचर होने से किसी धार्मिक स्थान में भी आप अपना समय और धन खर्च कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो साल के अंत में ही करें, तभी बेहतर होगा। आपके रिश्तों के अनुसार इस वर्ष में आप जिससे प्रेम करते हैं, अप्रैल तक आपका उनसे संबंध मधुर बना रहेगा, जिससे उनके साथ आपकी बात शादी तक भी जा सकती है। लेकिन उसके बाद आपको बहुत ही सावधानी से चलना होगा, क्योंकि किसी भ्रम के कारण इस समय में आपकी उनसे दूरी भी हो सकती है। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ चलने वाला समय होगा। अगर कोई पुराना साथी आपसे दूर हो गया है तो वह भी इस समय में वापस आ सकता है, लेकिन आप अब उसके साथ आगे नहीं बढ़े तो बेहतर रहेगा। इस साल विवाहित लोगों के जीवन में किसी तीसरे के आने से आपसी मतभेद बन सकता है और गलतफहमी की वजह से आपसी तकरार भी चलती रहेगी। साल के मध्य में आपके और साथी के मध्य दूरी अधिक होने से आपसी दरार हो जाएगी, जिससे तनाव रहेगा। आपकी सेहत की बात करें तो इस वर्ष पेट से जुड़ी कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। अगर आपको शुगर या थायराइड है तो समय रहते डॉक्टर से सलाह ले लें, क्योंकि लापरवाही से आपको ही नुकसान होगा। साल के मध्य में पैरों या कमर में दर्द महसूस करें तो कुछ समय आराम के लिए अवश्य निकाल लें। इस वर्ष पेट का इन्फेक्शन भी आपको परेशान कर सकता है, इसलिए अपने खान पान का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय के रूप में आप नियमित रूप से नारायण कवच का पाठ करें और प्रत्येक बृहस्पतिवार को बेसन के लड्डू मंदिर के बाहर बांटें। अब हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वालों के बारे में। इस साल कन्या राशि को साल के शुरुआत में कुछ खास खुशखबरी मिलने वाली है। आपका अचानक कोई पुराना काम जो बहुत सालों से रुका हुआ था, वह इस साल पूरा होगा। लेकिन साल की शुरुआत किसी के साथ झगड़े के साथ भी हो सकती है, इसलिए बहुत ही ध्यान से रहने की आवश्यकता होगी। तीसरे भाव में केतु का गोचर होने से अधिक यात्राएं मानसिक तनाव का कारण बन सकती हैं। अप्रैल माह से राहु का गोचर अष्टम भाव में होने से खर्चों को लेकर सावधानी रखें। अगर आप कोई कोर्स या पढ़ाई कर रहे हैं तो इस साल किसी कारण से रुकावट आ सकती है और खर्च भी हो सकता है। जून से अगस्त के मध्य मंगल भी अष्टम भाव में राहु के साथ गोचर करेगा। यह समय किसी के साथ वाद विवाद में उलझ सकते हैं। आपके करियर की बात करें तो साल की शुरुआत कार्य के हिसाब से बेहतर रहेगी। आपको कार्य में नए अवसर मिलेंगे और इन अवसरों से ही आपको व्यवसाय में सफलता की प्राप्ति होगी। आपके नए कॉन्टैक्ट्स भी बनेंगे, आपका नाम होगा और किसी बड़े प्रोजेक्ट के मिलने से कार्य में बढ़ोतरी होगी। जुलाई अंत से गुरु ग्रह वक्री होने से कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से आते आते रह भी सकता है। इस समय में कोई भी लापरवाही नहीं करें। नौकरी करने वालों के लिए अप्रैल तक का समय नए बदलाव और प्रमोशन के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन उसके बाद कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी मेहनत से इस वर्ष सीनियर और बॉस की नजरों में प्रशंसा के कारण बनोगे। साल के अंत में ही अपनी मेहनत के माध्यम से आप कार्यस्थल में नई पहचान बना पाओगे। आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार इस वर्ष आपकी आय पहले से बेहतर होगी, लेकिन अप्रैल के बाद केतु का धन भाव में गोचर होने से खर्चे अधिक होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे इस समय में धन की बचत नहीं हो पाएगी। अगर घर या वाहन लेने की सोच रहे हैं तो जुलाई तक प्लान कर लें। उसके बाद गुरु के वक्री होने से किसी कारण रुकावट आ सकती है या आप किसी प्रकार के धोखे में पड़ सकते हैं। वर्ष के अंत में जमीन में निवेश करना चाहते हैं तो समय बेहतर रहेगा। आपकी कोई पुरानी रुकी हुई पेमेंट भी इस समय में वापस आ सकती है। आपके रिश्तों की बात करें तो आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ साल की शुरुआत का समय बेहतर रहेगा और आप अच्छे एक साथ समय भी बिता पाओगे। लेकिन जून के बाद आपके इसी रिश्तों में तनाव की स्थिति बन सकती है, जिससे आपसी दूरी का कारण बनेगी। आपको बहुत ही आराम से इस समय में रहना है। अगर आपको इस साल किसी से प्रेम होता है तो समय से अपनी मन की बात का इजहार करें, तभी सकारात्मक परिणाम मिलेगा। अगर आपका कोई साथी आपसे रूठकर चला गया था या कोई पुराना स्कूल समय का साथी जिसे आप बेहद पसंद करते थे, वह अचानक आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है। वैवाहिक लोगों के लिए यह साल मधुर संबंधों की शुरुआत के साथ होगा, परंतु साल के मध्य में आपसी तनाव हो सकता है, जिसका कारण सिर्फ आप दोनों के बीच का अहम होगा, जिससे मानसिक तनाव बना रहेगा। साल के अंत में अक्टूबर से ही आपके रिश्तों में तालमेल बनेगा।
आपके स्वास्थ्य के अनुसार यह साल आपके गुस्से की वजह से कुछ तनाव और चिड़चिड़ेपन में बीत सकता है, इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखें। अगर आपको किसी तरह की स्किन या नसों की परेशानी है तो लापरवाही नहीं करें और समय से चिकित्सा करवाते रहें। अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें, नहीं तो गले में इन्फेक्शन हो सकता है जिससे आपके पेट में भी समस्या हो सकती है। उपाय के रूप में आप प्रतिदिन रुद्राष्टकम का पाठ करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। प्रत्येक मंगलवार को बंदरों को चने खिलाएं और मंदिर में केले दें। हम बात कर रहे हैं तुला राशि वालों की। इस साल की शुरुआत किसी पुराने कार्य को पूरा करने में ही होगी जिसमें आपको बहुत ही मेहनत करनी होगी, तभी सफलता की प्राप्ति की उम्मीद रखें। आप अपने काम के साथ घूमना और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना भी पसंद करते हैं, क्योंकि एक साथ सिर्फ काम में मेहनत करना आपको आता ही नहीं है। अप्रैल तक केतु का धन भाव में गोचर होने से आपकी जबान की वजह से आपसे रिश्तों में खटास आएगी और धन का भी व्यर्थ नुकसान होगा। इस वर्ष कुछ ऐसे अवसर भी आएंगे जिससे आप अपनी लापरवाही से गवा देंगे और आपको अधिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वैसे भी अप्रैल से केतु का आपकी राशि में गोचर हो रहा है, इस समय से आप अधिक कंफ्यूजन में रहोगे और आपके खुद के निर्णय आपके नुकसान का कारण बन सकते हैं। आपके करियर की बात करें तो इस साल अप्रैल तक शनि की स्थिति आपके व्यापार भाव पर बनी हुई है जिससे आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी भाग्य का पूरा साथ मिल पाएगा और बहुत ही संघर्ष के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। जुलाई से मकर राशि में वक्री शनि का प्रभाव होने से आप इस समय में कोई भी नया काम शुरू कर नहीं करें और ना ही किसी की बातों में आकर नए व्यापार के बारे में सोचें, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है। राहु का सप्तम भाव में गोचर हो रहा है, अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो सलाह के बिना कोई नया काम ना करें। विदेश से कोई नया प्रोजेक्ट मिलने पर किसी कारणवश आप उसे खो भी सकते हैं। अक्टूबर से ही कार्य की स्थिति सामान्य रहेगी और कार्य में लाभ की स्थिति बनेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो साल की शुरुआत में प्रमोशन की बात बन सकती है। कहीं तबादले की सोच रहे हैं तो वह भी समय से हो जाएगा। जुलाई अंत से गुरु माह वक्री होने से यह समय नौकरी वालों के लिए बहुत ही आराम से बिताने वाला होगा, नहीं तो आपके हाथ से नौकरी जा सकती है या आप किसी गलती के कारण अपनी सभी पुरानी मेहनत में पानी फेर सकते हैं जिससे बॉस की नजरों में उतर सकते हैं। इस समय में किसी नई नौकरी की तलाश या बदलाव न करें और जहां काम करते हैं वहां किसी बात पर बहस न करें। आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार साल की शुरुआत में धन का स्वामी मंगल उच्च का शनि के साथ गोचर कर रहा है। यह समय जमीन या घर को लेकर वाद विवाद की वजह से खर्चे करवा सकता है। आपके पास धन वैसे ही कम टिकता है जिससे इस समय में धन का नुकसान होने से आप साल भर परेशान होते रहेंगे, इसीलिए बहुत ही सावधानी से काम करें। इस साल शेयर बाजार में लंबे समय के लिए धन का निवेश नहीं कर सकते और किसी भी तरह के कर्ज या लेन देन के लिए साल के अंत का समय ही बेहतर रहेगा। आपका इस साल अचानक किसी खास मित्र के ऊपर भी धन खर्च हो सकता है। आपके रिश्तों के अनुसार साल की शुरुआत परेशानी के साथ हो सकती है। अगर आपको किसी से प्रेम होता है तो बहुत ही सोच समझ कर इजहार करें, हो सकता है आपका जवाब सकारात्मक नहीं मिले। आप जिससे प्रेम करते हैं और बीते साल में किसी मतभेद के कारण दूरी थी तो इस साल उनके साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएं और साथ समय भी बिताएं जिससे आपसी बातचीत कर पुराने मतभेद दूर कर सके। इस साल कोई पुराना रूठा साथी आपकी जिंदगी में वापस आए तो उसके साथ मेलजोल कम ही रखें। आपका वैवाहिक जीवन साल की शुरुआत में बहुत ही तनाव भरा रहेगा जिससे आपसी वाद विवाद के कारण रिश्तों में दूरी बन सकती है। राहु का विवाह भाव में गोचर होने से आपसी कंफ्यूजन बनी रहेगी जो घर में अशांति का कारण बनेगी। आपके स्वास्थ्य के अनुसार तुला राशि वालों की सेहत इस वर्ष आपके खान पान पर ही निर्भर करेगी। इस साल आपको पेट से या डायबिटीज की वजह से परेशानी आ सकती है। आपका लीवर भी इस साल कोई परेशानी खड़ी कर सकता है। अपने खान पान में सुधार लाएं जिससे गले या पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो। उपाय के रूप में आप प्रतिदिन अर्गला स्रोत का पाठ करें और प्रत्येक शुक्रवार को छोटी छोटी कन्या को मिठाई बांटें। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए नया साल कैसा रहेगा।
साल की शुरुआत में अप्रैल तक मंगल का उच्च राशि में शनि के साथ गोचर होने पर आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल के साथ कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जिसको लेकर बाद में पछताना पड़े। आपको इस समय में आत्मबल मजबूत बना रहेगा और आप हर काम चुस्ती और ताजगी के साथ करोगे। इस साल केतु आपकी राशि में अप्रैल तक गोचर कर रहा है, उसके बाद ही तुला राशि में जाने से आपके अचानक खर्चे और ट्रेवल्स बढ़ने लगेंगे। अप्रैल से गुरु का मीन राशि में गोचर होने से धन की स्थिति बेहतर होने से आप नई जगह इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और नए कॉन्टैक्ट्स बनने से आपके नए साधन बनने से आपकी नई पहचान भी बनेगी। आपके व्यापार के अनुसार इस साल शुरुआत में आपके व्यापार में तेजी रहेगी, लेकिन आय से अधिक खर्च भी बना रहेगा और बचत भी नहीं हो पाएगी। किसी नए काम में निवेश करने के लिए जुलाई तक का समय अच्छा रहेगा। इस समय में विदेश से भी कोई नया प्रोजेक्ट मिलने पर आप बहुत ही समझदारी से उसे डील करें, जिससे आने वाले समय में कार्य में आपको नए अवसर मिलेंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इस साल की शुरुआत में गुस्से में आकर कोई बदलाव नहीं करें, लेकिन अप्रैल से आपको नई नौकरी का अवसर मिलेगा या आपको प्रमोशन का चांस मिलेगा जिसमें आपकी तरक्की मिलेगी। अक्टूबर माह से बॉस और सीनियर की नज़रों में आपको प्रशंसा मिलेगी और आपके प्रमोशन के भी अच्छे आसार हैं। आर्थिक स्थिति के अनुसार साल की शुरुआत से जुलाई तक आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। सैलरी बढ़ने से आपके सभी रुके काम सुचारू रूप से बनने लगेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने से आप अपनी इच्छाएं भी पूरी कर पाओगे। इस साल जमीन में निवेश और घर साज सज्जा में भी आपका धन खर्च होगा। साल के मध्य में आप अपने साथी को कोई महंगा तोहफा भी दे सकते हैं। जुलाई के बाद से आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी। इस समय में किसी बड़ी खरीदारी से बचें। साल के अंत में आप अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान करेंगे जिससे आपके खर्चे बढ़ेंगे, इसलिए ऐसे दोस्तों के साथ घूमने से सावधान रहें। आपके रिश्ते के अनुसार साल की शुरुआत साथी के साथ रोमानी अंदाज में ही होगी। आप जिसको पसंद करते हैं आपकी उनके साथ नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। जुलाई के बाद अचानक आप दोनों के रिश्तों में अचानक अनबन होगी। इस समय में आप दोनों को आपस में बहुत आराम से चलना होगा ताकि रिश्ते में दरार नहीं आए। वैवाहिक लोगों के लिए उनका जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन आप आपस में एक दूसरे से अधिक उम्मीद न रखें। किसी तीसरे की वजह से आपस में तनाव हो सकता है जिस वजह से परिवार में सुकून नहीं रहेगा। आपके साथी को उनके कार्य में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन इस समय में आपको उनका साथ देना है क्योंकि हो सकता है आपको उनसे जलन होने लगे। साल के अंत में अगर आप चाहें तो अपने जीवन के साथ काम भी शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य के अनुसार यह साल आपकी सेहत के लिए बेहतर जाने वाला है, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो लापरवाही नहीं करें। अगस्त के आसपास आपको हार्ट की कोई बीमारी परेशान कर सकती है। इस समय में किसी पहाड़ी एरिया में भी बहुत सावधानी से जाएं। साल के अंत में डिप्रेस्ड होकर गुस्से में घर से बाहर नहीं निकलें और वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। उपाय के रूप में आप प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक बुधवार को हरे मूंग की दाल मंदिर में। आइए जानें यह साल धनु राशि वालों के लिए क्या सौगात ला रहा है। आपके लिए वैसे ही साढ़े साथी का आखिरी समय चल रहा है, जिससे आप मानसिक रूप से बहुत परेशान चल रहे हैं। अप्रैल से जुलाई तक शनि का गोचर कुंभ राशि में होने से आपको कुछ राहत अवश्य मिलेगी, जिसमें आपकी मेहनत और किस्मत दोनों आपका साथ देंगे और कुछ सपने और अधूरे काम आपके पूरे होने लगेंगे। अगर कुछ गलतियां आपसे हुई हैं तो वो कमियां सुधारने के लिए यह साल आपको मौका देगा। अप्रैल तक केतु का गोचर द्वादश भाव में रहेगा, जिससे इस समय तक खर्चों का कंट्रोल करने की कोशिश करें। जुलाई से वक्री शनि का गोचर फिर से मकर राशि में होने से आपकी जबान में चिड़चिड़ापन आने से आपके रिश्तों में खटास आएगी। आपके व्यवसाय के अनुसार आपके लिए यह वर्ष व्यवसाय में कुछ नया कर दिखाने के लिए आ रहा है। इस वर्ष आपकी मेहनत और लगन काम में दिखाई देगी, जिससे आपका व्यापार में लाभ के साथ आय भी बढ़ेगी। इस साल आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका गुस्सा और खराब जबान होगी, जिसमें सुधार के लिए आपको काम करना होगा। जुलाई से गुरु का मीन राशि में वक्री होने का समय में नए काम के लिए बेहतर नहीं है। इस समय में कोई भी बिजनेस से जुड़ा बड़ा कदम नहीं उठाएं। नौकरी करने वालों के लिए अच्छी कंपनी से नए ऑफर आएंगे
और आप जहां पहले से नौकरी कर रहे हैं वहां भी आपको प्रमोशन के साथ प्रशंसा मिलेगी, जिससे आप नए प्रोजेक्ट पर काम करके अपनी पहचान बना पाएंगे। लेकिन इस समय में अपने कुलीग से सावधानी रहे, वह आपके साथ पॉलिटिक्स खेल सकता है। आपके रिश्ते की बात करते हैं तो आप जिससे प्रेम करते हैं इस साल अचानक दोस्तों की वजह से आपका उनसे झगड़ा हो सकता है, जिस वजह से मानसिक तनाव भी होगा और आपसी प्रेम में दरार आएगी। अप्रैल से राहु का गोचर प्रेम भाव में होने से आपसी कन्फ्यूजन और भी बढ़ जाएगी, जिससे आप एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो जुलाई के आसपास आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति आएगा, हो सकता है वह आपके कार्यस्थल से जुड़ा हो, जिससे आपको लगाव होने लगेगा। वैवाहिक लोगों के लिए यह साल अपने रिश्ते को सुधारने का मौका दे रहा है और आपको भी अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए वक्त निकालना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आप साल की शुरुआत में खर्चों से बचें। आपके परिवार में खर्च अधिक बढ़ने से मानसिक तनाव बना रहेगा। बेवजह के निवेश से भी साल के मध्य में बचें तो बेहतर रहेगा। किसी मित्र की वजह से भी अचानक आपका पैसा खर्च हो सकता है। जमीन या शेयर में जुलाई से कोई निवेश नहीं करें, ना ही इस समय में घर से जुड़ा कोई कदम उठाए। आपके स्वास्थ्य के अनुसार यह साल सेहत को लेकर कुछ नाजुक रहेगा और मानसिक तनाव भी परेशान करेगा। अपने खान पान का ध्यान रखें, नहीं तो गले में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको त्वचा से जुड़ी कोई परेशानी है तो इस वर्ष वह आपको परेशान कर सकती है। अगर आपको हार्ट से जुड़ी कोई समस्या है तो साल के मध्य में आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, बहुत ही सावधानी से रहते अपना इलाज करवाना है। उपाय के रूप में आप प्रतिदिन हनुमान अष्टक का पाठ करें और प्रत्येक सोमवार को किसी जरूरतमंद स्त्री को दूध या सफेद वस्त्र का दान। हम बात कर रहे हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए यह साल साढ़े साथी के प्रभाव में रहेगा, जिससे मानसिक परेशानी बनी रहेगी और बिना बात के खर्च की वजह से तनाव भी बना रहेगा। अप्रैल तक केतु का आय भाव में गोचर होने से आय के एक से अधिक अवसर मिलेंगे, लेकिन अधिक खर्च होने से लाभ में कमी रहेगी। अप्रैल माह से जुलाई तक शनि का गोचर कुंभ राशि में होने से आपका ध्यान सेविंग की ओर जाएगा और आप किसी बड़े निवेश के बारे में सोच सकते हैं। अगर इस समय में जमीन में निवेश करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जुलाई से शनि वापस वक्री होकर मकर राशि में गोचर करेगा, जिससे आप अपने कोई बड़े किए फैसले बदल सकते हैं। आपके करियर की बात करते हैं तो इस साल आपको व्यवसाय में बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। साढ़े साथी की वजह से काम में धीरे धीरे प्रोग्रेस होने से कुछ मायूस सा महसूस करेंगे। अप्रैल से केतु का गोचर व्यवसाय भाव में होने से आप अपने ही काम में असंतुष्ट दिखाई देंगे। अगर ऐसा हो तो कोई भी बड़ा बदलाव नहीं करें। आपके बहुत ही परिश्रम से विदेशी कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट बनेगा और नए प्रोजेक्ट मिलने से आपको मेहनत का उचित परिणाम भी मिलेगा। नौकरी करने वालों के लिए यह साल मेहनत में रंग भरने आ रहा है। आपकी की हुई मेहनत से इस साल आपको भी प्रमोशन मिलेगा। जुलाई से अक्टूबर के मध्य में नौकरी में कोई बदलाव न करें। साल के अंत तक आप जोश के साथ सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करोगे। नई नौकरी के लिए भी साल के अंत का समय बेहतर रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार धन में इस साल उतार चढ़ाव बना रहेगा, जिस वजह से आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना होगा। अचानक परिवार में अधिक खर्चे होने की वजह से आप चिंतित रहेंगे। जुलाई में भाई बहनों के साथ भी धन को लेकर मतभेद बना रहेगा और घर का खर्च भी बढ़ेगा। इस समय में पैतृक संपत्ति को लेकर भी वाद विवाद हो सकता है। जुलाई के बाद शेयर मार्केट में कोई निवेश नहीं करें तो बेहतर होगा। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो जुलाई से पहले ले लें। साल के अंत में किसी के बातों में धन का कोई लेन देन नहीं करें। आपके रिश्तों के लिए प्रेम और विवाह में आपके साल की शुरुआत रोमांस और प्रेम से भरी रहेगी। आपका साथी आपसे बहुत ही उम्मीद रखता है, जिससे आपको उनको इस साल कोई सरप्राइज तोहफा देना चाहिए। अगर आप अकेले हैं तो ऑनलाइन बात करते करते किसी से दोस्ती होगी, जो कब प्यार में बदल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता है तो किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं करें। जो लोग विवाहित हैं, साल के मध्य में वैवाहिक जीवन में किसी गलत फहमी की वजह से मतभेद बना रहेगा, जो धीरे धीरे बहुत बड़े वाद विवाद तक जा सकता है।
आपको बहुत ही समझदारी से अपने घर को बचाना होगा। आपके स्वास्थ्य के अनुसार यह वर्ष आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा। आप ताजगी और उत्साह से साल की शुरुआत करेंगे। अगर आपकी छाती या फेफड़ों में कोई परेशानी है तो लापरवाही नहीं करें, समय से इलाज करवा लें। इस साल आप अपने सिर का भी बहुत ध्यान रखें और अगर आपको माइग्रेन की कोई समस्या है तो भी सावधान रहें और समय से अपना इलाज करवाते रहें। उपाय के रूप में आप नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक रविवार को मंदिर में केसर और गुड़ से बनी मिठाई बांटें। आइए बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में कि यह साल आपकी झोली में क्या लाया है। वैसे तो साढ़े सात की वजह से आपका बीता साल बहुत ही तनाव से भरा गया होगा, जिसमें चाहे उनके रिश्ते हो या कार्य या सेहत, सभी में कहीं ना कहीं तनाव के साथ अधूरापन बना रहा होगा। अगर ऐसा था तो इस साल भी शनि के प्रभाव से आप बच नहीं पाएंगे, जिसके लिए आपको खुद को बहुत ही व्यस्त रखना होगा और किसी भी रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं लगानी है। अप्रैल से राहु का मेष राशि में गोचर होने से आप किसी कार्य में रिस्क लेने की सोचेंगे, लेकिन आप इस समय में ना ही किसी तरह के वाद विवाद में उलझें, ना ही कोई नया काम करने की कोशिश करें। आपका कोई अपना इस साल आपसे दूर जा सकता है। जून से अगस्त के महीने में मंगल का मेष राशि में गोचर होने से आपको व्यापार के नए ऑफर भी आएंगे, जिससे आपको अच्छी सपोर्ट भी मिलेगी। आपके करियर की बात करें तो आपको इस साल बिजनेस को लेकर बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन आपको बहुत मेहनत होने के बाद भी उतनी सफलता हासिल नहीं हो पाएगी, इसलिए किसी भी तरह के नए व्यापार के बारे में जोश में होश नहीं खोएं, क्योंकि गोचर ग्रह दिखा तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन उनके पास आपको देने के लिए उनकी झोली में इस साल भी कुछ खास नहीं है। अगर आप नौकरी करते हैं तो बहुत ही सावधान रहें, क्योंकि गलती करेगा कोई पर हो सकता है उसका नुकसान आपको उठाना पड़े, इसलिए किसी के साथ सहानुभूति दिखाने का प्रयास नहीं करें। जुलाई के बाद तो किसी भी तरह के बदलाव के बारे में नहीं सोचें। अक्टूबर के बाद ही बॉस और सीनियर से प्रशंसा मिलेगी और नए प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर भी मिलेगा। यही समय आपके प्रमोशन का भी होगा। आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार साल की शुरुआत मध्यम आय से होगी और कोई पुराना लेन देन भी खत्म होने से राहत मिलेगी। इस साल व्यवसाय में उतना लाभ नहीं मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य होगी। अगर आप किसी जमीन में निवेश करने की सोच रहे हैं तो जुलाई तक कर ले। यह साल नए वाहन नए घर की भी दस्तक दे रहा है, लेकिन उसके लिए आपको लोन के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। सितंबर के आसपास किसी को पुराना दिया हुआ धन वापिस आ सकता है। आपके रिश्तों की बात करें तो आप जिससे प्रेम करते हैं आपको इस साल उनको अपना समय देने की कोशिश करें, क्योंकि बीते साल की कुछ खटास इस साल भी अपना असर कम नहीं करने वाली है। अगर आप अकेले हैं तो आपके जीवन का यह अकेलापन भी मार्च के आसपास दूर होगा, जिससे आपकी मानसिक परेशानी में भी कमी आएगी। जो लोग वैवाहित हैं उनके बीच इस साल रिश्ते बेहतर होंगे और वह एक दूसरे को समझने का प्रयास भी करेंगे। जुलाई से आप अधिक काम में व्यस्त होने से साथी को अपना समय नहीं दे पाएंगे, जिससे तनाव की वजह से साथी से दूरी हो सकती है। आपके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार यह साल आपकी सेहत के लिए कुछ साधारण रहेगा। आपको अधिक तनाव से बचना चाहिए, नहीं तो मानसिक तनाव की स्थिति आपको परेशान करेगी। आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पेट में लीवर से जुड़ी समस्या हो सकती है। अगर आप खाने पीने का शौक रखते हैं तो इस साल अधिक पीने से आपकी सेहत अधिक खराब हो सकती है। उपाय के रूप में आप नियमित रूप से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और बुधवार को हरी सब्जी गाय को खिलाएं। अब हम बात कर रहे हैं मीन राशि के बारे में तो आपका व्यवहारिक रूप से तो आप बहुत शांत हैं, जो खुद के बारे में और बाहरी दुनिया के बारे में बहुत गहराई में जाकर सोचते हैं। आपके मन में क्या चिंतन चल रहा है जो कोई नहीं जान पाता। साल की शुरुआत में किसी गलत फहमी की वजह से आपका बहुत खास साथी आपसे दूर जा सकता है। आप भी अपने किसी कार्य से अपने घर से दूर हो सकते हैं। फरवरी से मंगल का उच्च की राशि में शनि के साथ गोचर होने से आपका गुस्सा भी बढ़ेगा, आप तनाव में भी घिरे रहेंगे, जिससे आप अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाओगे। इस समय में आप मानसिक सुकून के साथ धार्मिक स्थान पर अवश्य जाएं। यह साल विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सावधानी के साथ चलने वाला होगा। आपके करियर की बात करें, यह साल जुलाई तक तो नए नए अवसर दिलाएगा
और उसमें सफलता के साथ आपको आपकी नई नई पहचान भी बनती जाएगी। अगर आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो वह भी इस समय कर सकते हैं, जिसमें आपको धन के साथ अच्छी सपोर्ट भी मिलेगी। बीते साल जिस डील या प्रोजेक्ट के बारे में आप सोच रहे थे, इस साल वह भी आपको मिल सकता है। अगर साझेदारी में भी कोई काम कर रही हैं तो अगस्त से बहुत ही सावधानी से तालमेल बिठाएं, तभी आप आगे बढ़ सकती हैं। अगर आप नौकरी करते हैं और बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो जुलाई तक का समय बेहतर रहेगा। इस समय में आपका प्रमोशन भी हो सकता है और आपको नए प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर भी मिलेगा। बॉस और सीनियर की नज़रों में आने से आप अपनी पहचान भी बना पाओगे। यह समय अगस्त के बाद आपके फेवर में नहीं रहेगा, जिससे आपको सभी काम बहुत ही आराम से करने हैं। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस साल अप्रैल से राहु धन भाव में गोचर करेगा, जो अधिक खर्चों की संभावना दिखा रहा है। बेवजह के खर्चों से बचने के लिए कुछ भी निवेश नहीं करें, अगर करना भी है तो बिना सलाह के कदम नहीं उठाएं। जुलाई से गुरु वक्री होगा, इस समय में अपने कार्य या अपने ऊपर भी धन खराब नहीं करें। पुराने समय में किसी जमीन के ऊपर किया हुआ निवेश से आपको इस साल फायदा होगा और पैतृक संपत्ति से भी लाभ होगा। आपके माता पिता से आर्थिक सहयोग बना रहेगा। आपके रिश्तों की बात करें तो इस आप जिससे प्रेम करते हैं इसकी साल की शुरुआत में उनके साथ समय बेहतर रहेगा, लेकिन मध्य तक आते आते आपका रिश्ता उनके साथ कुछ भ्रम भरा रहेगा। आपस में तनाव भी बना रहेगा, जिससे आपसी दूरी बन जाएगी। अगर आप अकेले हैं तो अप्रैल से आपके जीवन में नए साथी की दस्तक होगी और आपका अकेलापन दूर होगा। इस साल वैवाहिक जीवन में आपसी रिश्ते मधुर बने रहेंगे और साथी के साथ विदेश यात्रा का भी योग बना हुआ है। अगर आप दोनों मिलकर काम के बारे में सोच रहे हैं तो साल के मध्य में शुरुआत न करें, और इस समय में आपको अपने जीवन साथी की वजह से मानसिक तनाव भी हो सकता है। जुलाई से सितंबर तक का समय बहुत ही आराम से बिताएं। आपकी सेहत के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य के अनुसार यह वर्ष आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा और आप उत्साह से साल की शुरुआत करोगे। अगर आपको डायबिटीज या थायराइड की कोई समस्या है तो बहुत ही सावधानी से बिना किसी लापरवाही के इलाज करवाएं। बाहरी खान पान से बचें और सिर दर्द या इन्फेक्शन होने पर ध्यान रखें। साल के मध्य में पहाड़ों में जाने की सोच रहे हैं तो वहाँ बहुत सावधानी रखें। उपाय के रूप में आप नियमित रूप से शिव उपासना करें और शिव के मंत्रों का जाप करें। प्रत्येक शुक्रवार को छोटी कन्याओं को नमकीन बांटें। तो आपने इस वीडियो में विस्तार से जाना कि साल 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। उम्मीद करती हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर करिएगा।